हाय दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल में। अरे तू कितना देर से फोन पे बात कर ले, 2 घंटे से लगे पड़े हुए। पता नहीं है, सारे मोबाइल का रिचार्ज वगैरह सारा टैरिफ वगैरह सारा बढ़ गया है। अब तो कम करो क्या, ऐसा है कब से? हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस जियो आइडिया वोडाफोन एयरटेल के घटे हुए टैरिफ, जो कि आज से ही इन्होंने 6 पैसे IUC चार्जेस को कम कर दिया है। तो इसमें और जानकारी देंगे कि कौन सा नेटवर्क आपके लिए बेहतर है, कौन सा अच्छा है। चलिए देखते हैं एंड आपके साथ शुरू करते हैं ये वीडियो। जस्ट लेट्स बिगिन। तो आगे हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कौन सा नेटवर्क यूज करना चाहिए। तो अभी सारे में कम कर देंगे एक्सेप्ट रिलायंस जियो को छोड़ के, जो अभी भी 6 पैसे चार्जेस ले रहे हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पूरे लास्ट तक वीडियो देखिएगा, शायद इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए आप लोग के सामने आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट अस बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एयरटेल के, जो कि जेंट कंपनी है जिसका नेटवर्क के लिए जाना जाता था। इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर 6 पैसे IUC चार्जेस को बिल्कुल जीरो कर दिया है। ये है ना आपके लिए गुड न्यूज। सेकेंड नंबर पे आता है वोडाफोन। उन्होंने 1 घंटे बाद तुरंत ट्वीट किया कि हमारे नेटवर्क पर भी अब IUC चार्जेस नहीं लगे, और ये बोल के फ्री स्टिल मीन्स फ्री, दैट मीन्स इज नो एक्स्ट्रा चार्जेस आर इम्प्लीमेंटेड। सबसे खासता हाल वोडाफोन का ही था, क्योंकि इनका बूढ़े भी तरह समेटने का टाइम आ गया था। इन्होंने इसलिए टैरिफ सारे बढ़ाया, बट इनको लगा अब समझ में आ रही है कि IUC बढ़ाने से हमें ज़्यादा घाटा हो जाएगा, तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। लास्ट में अब बात आती है आइडिया के। इन्होंने भी IUC चार्जेस 6 पैसे प्रति मिनट को ख़त्म कर दिया है। अब दूसरे नेटवर्क पर अनलिमिटेड बातें कीजिए, पूरे खुले ढेर सारी बातें करें। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा नेटवर्क बेहतर रहेगा। और तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि ध्यान देना पड़ेगा नेटवर्क को सिलेक्शन करने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जियो का क्या है कि जियो ने 6 पैसे IUC चार्जेस अभी लग रहे हैं, बट इन्होंने क्लेम किया है कि ये अदर इनका कंपटीटर से 25% सेविंग होगा, चूँकि बाकी सब लोगों का 598 का 600 का प्लान है, बट इनका 555 में ही ये दे रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमारा 25% सेविंग है, बट IUC चार्जेज इनमें लगेगा। अब कंपेयर लिस्ट देख लेते हैं। तो कंपेयर लिस्ट की जहाँ तक बात करें, तो 28 दिन के लिए सबसे ज़्यादा चार्जेज आपको लग रहे हैं एयरटेल ने, और वोडाफोन और आइडिया ने इन्होंने 49 का कर दिया है। सबसे कम, सबसे टॉप पे है BSNL, इसका 19 डेज है। सबसे अच्छी बात कि इनका 74 रुपीज़ में और 6 महीने का वैलिडिटी मिल जाता है। लेकिन इशू वही है कि BSNL का नेटवर्क को आपको परेशानी हो। अगर आपको नेटवर्क अच्छा है देन दैट इज़ द बेस्ट, नो डाउट, बट इनमें 4G नहीं है, वोल्टी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर बात करते हैं 28 डेज़ का अनलिमिटेड के लिए। अनलिमिटेड एयरटेल का बढ़ गया है, वोडाफोन का बढ़ गया है, उस हिसाब से जियो कहीं कम है, 199 है, और 118 है BSNL का, जो कि कम है, जिसमें 500 MB डेली और टॉक टाइम 250 मिनट पर डे मिलेगा। बट अनलिमिटेड हो गया एयरटेल और वोडाफोन में। आते हैं लास्ट स्टेज कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में यही बताया जा सकता है कि 4G यूज़ नहीं करना है, डाटा ज़्यादा नहीं चाहिए तो BSNL बेस्ट है। अगर आपको 4G वोल्टी यूज़ करना है तो बेस्ट आपके लिए एयरटेल है। अगर आपको अनलिमिटेड बात करना है तो भी एयरटेल ही है। तो इस हिसाब से पहले नंबर पे BSNL। जियो को इसलिए रखा जा रहा है कि जियो के चार्जेस कम हैं, ऑल दो आपको
IUC चार्जेज लग रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि दूसरे नेटवर्क पर बात करना है तो एयरटेल ठीक है। वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पी के वाइन्स, प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड इट गेट सब्सक्राइब्ड एंड प्रेस द बेल आइकन को दबाएं, इससे आप सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे।